प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोलकाता से आगरा मेट्रो का वर्चुअली इनॉग्रेशन किया, जिसके बाद आगरा में मेट्रो दौड़ने लगी। इस दौरान आगरा में मुख्यमंत्री योगी मौजूद रहे। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने मेट्रो से 7 मिनट तक सफर भी किया। उन्होंने ताजमहल स्टेशन से ताज ईस्ट गेट तक मेट्रो में सफर किया है। आपको बता दें कि फिलहाल फर्स्ट फेज में अभी 6 किलोमीटर तक मेट्रो चलेगी। इसके बीच में 6 किलोमीटर तक मेट्रो चलने वाली है। इनमें त्याज पूर्वी गेट, कप्तान शुभम गुप्ता मेट्रो स्टेशन, फतेहाबाद रोड, ताजमहल, आगरा फोर्ट और मन कामेश्वर मंदिर स्टेशन शामिल किए गए हैं। मेट्रो 90 किलोमीटर के स्पीड से चलेगी और स्टेशन के अंदर एआई से निगरानी की जाएगी। अगर कोई भी शख्स 20 मिनट से ज्यादा अंदर रुका तो अलार्म बजने लग जाएगा और सुरक्षा टीम पहुंच जाएगी, जिससे लावारिस सामानों पर नजर रखी जा सकेगी। अभी ट्रेन का मिनिमम किराया 10 रुपए है, जबकि मैक्सिमम 20 रुपए है। इसके आगे मेट्रो शुरू होगी तो किराया बढ़ता जाएगा। ऐसे में 7 से 9 स्टेशन तक 30 रुपए, 10 से 13 स्टेशन तक 40 रुपए और 14 से 17 स्टेशन तक 50 रुपए और 18 से अधिक स्टेशन के लिए 60 रुपए किराया होगा। आगरा मेट्रो कार्य का शुभारंभ हुआ था और मात्र 2 वर्ष के अंदर ही प्रैटी सेक्टर का जो 6 किलोमीटर का पहला कार्य है यह पूरा होकर के आज जिसमें 3 अंडरग्राउंड स्टेशन हैं और 3 एलिवेटेड स्टेशन हैं, इस कार्य को पूरा करने के साथ ही मेट्रो भी इसमें प्रारंभ हो चुकी है। आगरा मेट्रो के प्रारंभ होने के साथ ही उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसके पास सबसे अधिक सिटी में मेट्रो की सुविधा है। इससे पहले लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और कानपुर में मेट्रो सेवा उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो चुकी है और आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के 66वें शहर आगरा में ब्रजवासियों के लिए, आगरावासियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हुई है। उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन ने कानपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो या आगरा मेट्रो के कार्य को जिस तत्परता के साथ किया है उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। 3 अंडरग्राउंड स्टेशन को 3 किलोमीटर क्षेत्र में उन्हें विकसित करने में एक समय सीमा के अंदर उन्होंने समय से पहले, यानी अगर कहें तो देश के अंदर सबसे पहले और सबसे तीव्र गति के साथ कार्य करने वाली आगरा मेट्रो हुई है। यह अपने आप में एक उपलब्धि है और इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन के लिए, उनकी सुविधा के लिए हृदय से उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जिस प्रभावी ढंग से आज उत्तर प्रदेश वासियों के हित में या उत्तर प्रदेश आने वाले पर्यटन और टूरिस्ट के हित में इस कार्य को उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन ने करके दिखाया है,